मैं तो नहीं इंसानों में, मैं तो नहीं इन जानवर में। कौन है? अरे मैया, तू तो देख लियो। अरे नहीं नहीं भाई लोग, मैं तो इंसान ही हूँ, बट यहाँ पे रोबोट जैसी गेम प्ले हो जाए तो मैं भी क्या करूँ भाई लोग। यहाँ पे किसी को भी मारू हेडशॉट पे हेडशॉट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं सेंसिटिविटी उतना रखता हूँ, उसके बाद मेरी सेटिंग वैसी रखता हूँ। एंड हाँ पर यहाँ पे मेरा ड्रग सब कुछ मतलब कि इतना मस्त सिंपल है, जैसे कि 2GB रैम के अंदर भी ये ट्रिक वर्क कर जाती है। एंड हाँ पर ये सेटिंग एक बार यूज कर लेते हो तो कसम से माँ कसम खा के बोल रहा हूँ भाई लोग, सच्ची में ये 100% वर्किंग ट्रिक है। सभी बंदे यूज कर लेंगे तो भाई क्या होगा, गेरेना को मतलब कि हाथ धोने पड़ जाएंगे। तो भाई लोग मैं सीरियसली बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको ये सेटिंग करने के बाद आपको हर एक वन टैप ना लगे तो मेरे को बताना, या तो इसी वीडियो के आप गाली मार देना भाई सच्ची में। हाँ भाई लोग, क्योंकि यहाँ पे मेरे दोस्त है ना, उसके पास 2GB रैम है और मेरे पास 4GB है, फिर भी मेरे को कभी कभी मतलब कि हरा देता है 2GB रैम वाला, और मेरे पास 4GB है फिर भी। तो भाई लोग क्या बोलूँ, यहाँ पे 2GB रैम के अंदर ये ट्रिक 100% वर्किंग हो जाती है। तो भाई लोग आपके पास कितना GB रैम वाला होगा भाई, मेरे को भी पता नहीं, क्योंकि मेरे को पता है आप लोगों तो बहुत ही स्मार्ट हो। तो भाई लोग यहाँ पर ये वीडियो देखने के बाद आपको हर एक वन टैप ना लगे तो मेरी गारंटी है। एंड हाँ भाई लोग, आपको बस वीडियो के अंदर कुछ नहीं करना है, बस आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि मैं आपको एक एक सेटिंग बताने वाला हूँ, क्या चीज है, क्या मतलब कि आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको क्या सेटिंग चेंज करना है, वो सभी सभी चीजें इस वीडियो के मैं बताने वाला हूँ। तो बस भाई लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट नहीं किया है तो कर लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ एक छोटे से इंट्रो के बाद। अगर दोस्तों आपको हेडशॉट मारना है इतना आसानी से जैसे मैं मार रहा था वैसा, तो भाई लोग आपको मैं 3 सेटिंग बताने वाला हूँ, वो 3 सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। तो भाई लोग आपको क्या सब कुछ है तो देखो, भाई लोग यहाँ पे हम पहले जाएंगे सेंसिटिविटी के अंदर। तो भाई लोग जैसे ही आप सेंसिटिविटी के अंदर जाते हो तो भाई लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे वाले आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, उधर सेंसिटिविटी है, उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए जनरल शो है, रेड डॉट शो है। तो भाई लोग ये तो आपका बिल्कुल नहीं करना है, अगर ये कर लोगे तो भाई आपका कभी भी हेडशॉट मारना नहीं होगा, क्योंकि कभी भी मार ही नहीं सकोगे। तो भाई लोग यहाँ पे देखो, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा आपको करना है, 3 लुक के आपको रखना है 40, इसके बाद आपको स्नाइपर स्कोप है ना वो देखो भाई लोग यहाँ पे 49 तक रख सकते हो। एंड हाँ भाई लोग यहाँ पे 49 ही रखना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है बिल्कुल भी। एंड हाँ भाई लोग, उसके बाद फॉरेस्ट स्कोप है उसको रखना है 51। एंड हाँ भाई लोग 2x स्कोप है ना उसको रखना है 52, अगर उससे ज़्यादा रखोगे तभी भी कभी भी नहीं लगेगा, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा ही आपको करना है। एंड हाँ भाई लोग रेड डॉट यहाँ पे आप देख सकते हो 76 भी रख सकते हो। एंड हाँ भाई लोग यहाँ पे ऐसी तक रख सकते, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे फाइनली जनरल आपको कितना रखना है वो तो मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि देखना भाई MP40 का हेडशॉट आपको कितने से कितने तक रखना है। तो भाई लोग यहाँ पे देखो, भाई लोग मैं पहले ट्रेनिंग मोड के अंदर जाता हूँ, आपको लाइव में दिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं स्किप कर करके आपको वीडियो दिखाऊंगा। जैसे भाई लोग यहाँ पे भी अंदर आ चुका हूँ, देखो भाई लोग आप सभी को पता होगा कि MP40 का हेडशॉट मारना इतना आसान नहीं होता कि हर एक गन का मतलब कि एक एक गोली भाई मतलब कि हेड पे चिपके। MP40 है किसी की बस की बात नहीं है भाई लोग, 100% बोलता हूँ। बट भाई लोग यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे लाइव में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपका भाई पूरा रेड डॉट ही मारेगा। भाई लोग देख लीजिए, यहाँ पे 2 गोली लगेगी फिर भी रेड डॉट पे जाएगी, पूरा हेड पे जाएगी, माँ कसम भाई लोग। यहाँ पे कोई भी मतलब कि मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, ना ही हैक यूज़ किया है, कुछ भी नहीं, आप हैकर की तरह गेम प्ले कर सकते हो। यहाँ पर यहाँ पे तुमने तो ये बोला होगा कि नहीं भाई तुमने कुछ यूज़ किया है, तो भाई लोग यहाँ पे देख लीजिए मैं इमोट मार के जाऊँगा। एंड हाँ भाई, यहाँ पे सीधा मैं यहाँ पे हेड पर चिपक ना आऊँगा, देखो भाई लोग यहाँ पे जैसे मैं मतलब कि जैसे मैं फायर कर रहा हूँ वैसे ही देखो सीधा हेड पर चिपक रहा है ना। तो भाई लोग ये थी हमारी सेटिंग। तो भाई लोग यहाँ पे देखो हम एक रोबोट की तरह गेम प्ले करेंगे, तो अब जाएंगे हमारा दूसरी सेटिंग के अंदर कस्टम एचयूडी के अंदर। तो भाई लोग देख लीजिए यहाँ पे ये है हमारा कस्टम एचयूडी। तो भाई लोग यहाँ पे हमारा कस्टम एचयूडी आपको फायर बटन देख लीजिए भाई लोग कितना नीचे रखना है। तो भाई लोग यहाँ पे जितना बने उतना नीचे रखना है। इसके बाद भाई लोग यहाँ पे देखिए गन का
स्किन है वो भाई लोग यहाँ पे कहाँ पे रखना है, आपको भागने वाला कहाँ पे रखना है, उसके बाद यहाँ पे स्कोप मार्क के बाद हम कहाँ पे रख सकते हैं, एंड हाँ पर फायर बटन को आपको मैं मेन चीज के बारे में बात करने वाला था। फायर बटन आपको जितना बने उतना नीचे रखना है, उसका फायदा क्या है, जितना नीचे रखोगे उतना आपका फायर बटन है ना वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि आपको ड्रैग करने में इतना ही आसानी रहेगी। तो भाई लोग ये थी मेरी दूसरी सेटिंग, क्योंकि फायर बटन आप कोई भी सेटिंग कहीं पर भी रखो बट आपका फायर बटन जितना नीचे होगा इतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मेरी गारंटी है आपका 100% हेडशॉट मारना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद भाई लोग यहाँ पे मेन चीज आती है मैं तीसरी सेटिंग के बारे में, अगर ये थ्री सेटिंग आप कर लेते हो तो कसम से भाई लोग हो जाएगी, क्योंकि अब तीसरी सेटिंग के अंदर आपको कुछ भी ज्यादा कुछ भी नहीं है और आपका गैरेना है ये करके देती है, बट आपको क्या होता है कभी कभी ये आपको ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है क्योंकि आप अपडेट करते हो या तो किसी भी कोई ग्लिच यूज करते हो तो उसी से अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो आपको यहाँ पे ये सेटिंग करना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरी स्क्रीन पे। ना भाई मेरी दूसरी ये रिक्वेस्ट है कि आपको यहाँ पे मैं जैसी सेटिंग रखा हूँ वैसे आपको सेटिंग रखना है, क्योंकि ये सारी सेटिंग आपके अंदर होती है बट फिर भी यहाँ पे आपको थोड़ी मोड़ी कभी भी चेंज हो जाती है। भाई लोग यहाँ पे देख लीजिए मैं कौन सा ऑफ रखा हो, कौन सा ऑन रखा हो, एंड हाँ पर यहाँ पे देख लीजिए मेरे पास 4GB फिर भी यहाँ पे ब्राइट कितना रखा है। उसके बाद यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पे मेरा जो स्टैंडर्ड अल्ट्रा पे रखा था तो भाई लोग मैं अल्ट्रा पे रखता हूँ 4G है फिर भी, क्योंकि उससे है ना आपको बंदा एनिमी पे जल्दी रेड डॉट हो जाता है, उसके बाद आराम से हेडशॉट मार सकते हो। एंड हाँ पर यहाँ पे आप देख लीजिए, उसके बाद मेन नेम नया स्क्रीन, उसके बाद गन ऑटो जो सब कुछ मतलब कि अलर्ट सब कुछ मतलब हमें अलर्ट ही कर देती है ऑटोमेटिक। तो भाई लोग ये थी हमारी एक और सेटिंग। इसके बाद यहाँ पे आप देख लो मैन इंपॉर्टेंट बात की यहाँ पे वाइब्रेशन आपको सब कुछ ऑफ कर देना है, क्योंकि यहाँ पे आप ऑन रखोगे तो क्या होता है कभी भी गेम स्टार्ट होगा फिर भी वाइब्रेशन हो जाता है। तो जैसे मतलब जितना भाई वाइब्रेशन होता है ना उतने भाई आपको टेंशन दिलाता है कि भाई क्या बार बार वाइब्रेशन होता है, टेंशन नहीं है बट भाई लो ये मोबाइल की टेंशन है कि क्यों वाइब्रेशन बार बार हो रहा है। तो ये कारण था आपको मतलब कि जो थोड़ी सी मैंने आपको सेटिंग बता दी। एंड हाँ पर यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कमेंट कर दिया था कि आपके तो बहुत ही मस्त हेडशॉट लगते, तो तुम्हारे मतलब कि हमारे लग सकते हैं क्या? तो भले क्या बोलूँ, यहाँ पे आपका तो हेडशॉट लगेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, जैसे ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाओगे तो आपको प्रैक्टिस ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो चलिए भाई लोग यही थी आज की वीडियो। एंड हाँ बोलूँ यहाँ पे आपको 300 से भी प्लस आपको डायमंड चाहिए तो यहाँ पे मेरे क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, एंड डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की लिंक दी है उस पर जाके आपको फॉलो करके मेरे को ये स्क्रीनशॉट है ना मेरा सब्सक्राइब वाला वो आपको मेरे को भेजना है, जिससे मेरे को पता चल जाए कि ये बंदे ने सब्सक्राइब भी कर दिया है सब कुछ किया है। तो भाई लोग यहाँ पे आपको 300 से भी प्लस यहाँ पे आपको डायमंड मिलेगी, ये लक पे डिपेंड करेगा, किसी किसी बंदों को 1000 से भी प्लस डायमंड मिला है। तो भाई लोग आप भी एक मौका ले लो कभी भी आपका मतलब कि हो जाए, क्योंकि ये आपका वीडियो आपका भाई सब कुछ मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक बार बनाया छोड़ दिया, बट भाई लोग यहाँ पे सब कुछ देखता है, हर रोज एक एनालिसिस करता है जिससे मेरे को पता चल गया ये बंदे ने विजिट किया है मेरे चैनल को। तो भाई आप भी विजिट जाओ मेरे इंस्टाग्राम के अंदर, जल्दी से स्क्रीनशॉट भेज दो जिससे आप भी डायमंड विन कर सके। तो चलिए भाई लोग आज की वीडियो यही रखेंगे, और भी पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलिए जय हिंद जय भारत।